स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 15 को लेकर के, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय व्याकरण से है और आज का प्रकरण है हमारा विशेषण। इसके पिछले वीडियो में पाठ योजना संख्या 1 से 14 तक की बात की जा चुकी है, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय गद्य पद और व्याकरण से ही संबंधित था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप अपनी पाठ योजना फाइल तैयार कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ पर जैसे ही आप हिंदी के लेसन प्लान सर्च करेंगे आपको 1 से 20 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपने बीएड थर्ड सेमेस्टर या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी की पाठ योजना फाइल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप पाठ योजना संख्या डालते हैं, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा, डेट आप कॉपी मत करिएगा। आप विषय डालेंगे, विषय है आपका हिंदी और हिंदी विषय के अंतर्गत आपका उप विषय है व्याकरण, ठीक है, तो आप इसे डालेंगे। प्रकरण की बात की जाए तो ये आपका विशेषण है। आपका ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप किसी भी कक्षा, यहाँ पर कक्षा 8 पढ़ी है, आप बिल्कुल कक्षा 8 डाल सकते हैं। आप चाहे तो कक्षा 5 से कक्षा 10 के लिए भी इस प्रकरण को बना सकते हैं, ठीक है। चक्र की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा पड़ा है, आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहे इसे डाल सकते हैं। इसी तरह आप टाइम पीरियड यानी समय अवधि का भी अपने हिसाब से डिवीजन कर सकते हैं, यानी टाइम पीरियड 30 से 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो आप इसमें विषय या उप विषय से संबंधित बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं, जैसा कि आपका उप विषय व्याकरण है हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो इसमें आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे हिंदी विषय में व्याकरण संबंधी। जैसा कि इसमें पहला दिया है, छात्राओं को व्याकरण के माध्यम से हिंदी साहित्य के साहित्य में रुचि दिलाना। दूसरा पॉइंट है, छात्राओं में नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है, छात्राओं के शब्द भंडार को बढ़ाना। चौथा है, छात्राओं की भाषा यानी छात्राओं को भाषा व रचना के भावों को समझने में सहायता देना। तो इस तरह से जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो आपके विषय या उप विषय से संबंधित होंगे। आप चाहे तो सामान्य उद्देश्य के पॉइंट 4 दिए हैं, आप 2 भी डाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए, इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देते हैं, जैसा कि इसमें दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे, छात्रों को विशेषण के विषय में बताना। दूसरा, छात्रों को विशेषण की विशेषता के बारे में बताना। फिर देखेंगे भावात्मक उद्देश्य। फिर आप डालेंगे भावात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे, छात्र को विशेषण के प्रति रुचि लेने में सहायता प्रदान करना, यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, छात्र विशेषण की विशेषता को और जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे, छात्र विशेषण की विशेषता को बता सकेंगे। दूसरा है, छात्र विशेषण के रूपों की सूची बना सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई आपके विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपका प्रकरण से रिलेटेड रहता है। तो आप चाहे इन चीजों को यानी इन पॉइंटों को कम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप TLM कहते हैं या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पट, संकेतक, पॉइंटर या फिर कोई चित्र हो गया, कोई वस्तु, मॉडल, जो भी चीजें, ठीक है, उसे आप TLM में शो करेंगे। फिर आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र या छात्राओं को विषय से संबंधित क्या जानकारी है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, छात्राएं विषय संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं, यानी विषय के बारे में सामान्य जानकारी है बच्चों को। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें आप उदाहरण के माध्यम से टीचर प्रश्न करेंगे, जैसा कि इसमें पहला उदाहरण दिया है आपका, गीत सुंदर है। इसमें पहला प्रश्न टीचर ने किया, गीत क्या है, बच्चे बताएंगे विशेष्य है। दूसरा पूछा, सुंदर क्या है, बच्चे बताएंगे विशेषण है। फिर दूसरा उदाहरण है, मोहन शैतान है, मोहन क्या है, बच्चों ने बताया विशेष्य है। शैतान क्या है, बच्चों ने बताया विशेषण है। फिर आपका तीसरा उदाहरण है, रमेश आलसी है, तो इसमें रमेश क्या है, बच्चे ने बताया विशेष्य है, आलसी क्या है, विशेषण है, ठीक है। चौथा प्रश्न आएगा, ये तीनों किसके उदाहरण हैं,
तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र निरुत्तर हो गया। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, छात्रों आज हम लोग व्याकरण विषय के विशेषण नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, आप इसमें विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से पहले बच्चों से प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप पूरे टॉपिक का परिचय देते हुए स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो 3 कॉलम बनाइए या आप चाहे तो 6 कॉलम भी बना सकते हैं, जैसे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप चाहे तो 6 कॉलम बनाइए, आप चाहे तो 3 भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप 6 ही बनाइए, ठीक है। शिक्षण बिंदु सीधा सीधा डालिए, विकासात्मक प्रश्न इसमें आप प्रश्न करिएगा बच्चों से, जैसा कि आपने अभी प्रस्तावना प्रश्न में किया उदाहरण देते हुए, सीता भोली है, सीता क्या है बच्चे बताएंगे, विशेष्य है, भोली क्या है बच्चे बताएंगे, विशेषण है। तो इस तरह से आप इन उदाहरणों को देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर कई सारे उदाहरण है, आप चाहे तो एक भी उदाहरण दे करके शिक्षण बिंदु ले सकते हैं अपना। तो आप ये एग्जाम्पल दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको लिखते जाइए, ठीक है, और आप इनको इनकी संख्या भी कम करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिद्धांत निरूपण यानी जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है आपका, विशेषण, तो उसे आप यहाँ डाल सकते हैं, विशेषण का परिचय, या फिर आप डालिए सिद्धांत निरूपण, इसमें आप विशेषण के बारे में बताएंगे कि विशेषण क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, गोरा, सुंदर, खट्टा, मीठा। तो इस तरह से आप उदाहरण भी दे सकते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य की बात की जाए, इसमें आप लिखेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाती है, जैसे गीता सुंदर है, इसमें गीता जो है वो विशेष्य है और सुंदर होना उसकी विशेषता है, तो यही आपका विशेषण कहलाता है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करिएगा जो कि इसमें दिए हैं। इन चीजों को आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इनके पॉइंट कम करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल 3-3 दिए हैं, आप 1-1 या 2-2 लिख सकते हैं। फिर आप सिद्धांत निरूपण में जो भी आपका प्रश्न आएगा विकासात्मक, उससे आप लेकर चलेंगे। विशेषण के प्रकारों की बात करेंगे, ये कितने प्रकार के आपके विशेषण होते हैं इसमें देखेंगे हम आगे। तो विशेषण के प्रकारों में आप बता सकते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, फिर है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, फिर आगे है आपका संख्यावाचक आपका विशेषण जो होता है उसका उदाहरण दिया है, ठीक है, संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण। तो इस तरह से आप इन चीजों को दिखा सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इन्हें आराम से लिख सकते हैं। आप चाहें तो उनको इनके प्रकारों को सिर्फ लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप ही डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हैं लेसन प्लान। पर सही नहीं है कि आप चीजें बिल्कुल ऐसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से भी कम ज्यादा करके लिख सकते हैं। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है। फिर आपका अभ्यास निरूपण, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे कि पहला है वह काला है, दूसरा है सीता सुंदर है, तीसरा है 4 रुपए दे दो, मोहन आलसी है, सोहन कायर है, वह बड़ा है, वह मोटा है। तो इस तरह से आप जो भी पढ़ा रहे हैं उनका अभ्यास निरूपण भी आप करवाएंगे। फिर आगे है आपका श्यामपट कार्य यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से वैसे ही चीजें मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, ठीक है। उसके बाद आप विशेषण के बारे में परिभाषा बता देंगे और इसके प्रकार, तो इसे आप TLM में जरूर लगाएंगे यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्रा श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट कार्य देकर उसका निरीक्षण करते हुए उनकी सहायता भी करती है। तो इस तरह से जो निरीक्षण कार्य आप करेंगे, ठीक है, उसमें आप बच्चों की सहायता भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से क्लास में ही रिवीजन करवाते हैं। इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपने प्रकरण में लिया है, जैसे कि पहला है संख्या किस विशेषण की विशेषता है, दूसरा है काला गोरा किस विशेषण का उदाहरण है, फिर आगे हम इसी में देखेंगे, फिर तीसरा है आपका छोटा बड़ा किस विशेषण का उदाहरण है, चौथा आप बता सकते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आप चाहे तो पांचवा भी लिख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं।
और इन प्रश्नों को आप क्लास में ही बच्चों को हल करवाएंगे। फिर लास्ट में आपका आएगा गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्नोत्तर दे सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, विशेषण की परिभाषा व भेद याद करके आना है। आप बिल्कुल ऐसे दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गृह कार्य में आप दे दीजिएगा विशेषण के प्रकार कितने हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए और उनके उदाहरण भी लिखिए। तो इस तरह से भी आप गृह कार्य में बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो पाठ योजना संख्या 15 था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आप ऐसे ही अपने सब्जेक्टिव टीचर से साइन कराएंगे हर एक लेसन प्लान पे। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 16 को लेकर के, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय निबंध रहेगा आपका, और जो प्रकरण रहेगा वो आपका होली रहेगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट के द्वारा आपके जो भी प्रश्न है उनका भी उत्तर आप पा सकते हैं, और साथ ही कमेंट के द्वारा आप अपनी राय भी रख सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।